अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हंसी मजाक। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं लिबर्टी बाज़ार में और यहां पे हम लोगों से कुछ करेंगे सवालात कॉमन सेंस के और करेंगे उनके साथ हंसी मजाक। चलते हैं हम लोगों की तरफ और पूछते हैं उनसे हंसी मजाक के सवालात। आइए चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रबी हसनैन। माशाल्लाह, आपके अंदर कॉमन सेंस है? पता नहीं इस चीज़ का बाकी। अच्छा चले ठीक है, आपसे मैं एक सवाल करता हूँ, आपने उसका जवाब देना ठीक है। दो बाप और दो बेटे मछली पकड़ने गए, लेकिन जब वापस आए तो उनके पास तीन मछलियाँ थी, कैसे? दो बाप और दो बेटे मछलियाँ पकड़ने गए तो उन्हें पकड़ी तीन होनी है? नहीं, सारों के पास एक एक मछली है और हर बंदे ने एक एक मछली पकड़ी, लेकिन वो वापस आए तो तीन थी। A few moments later. एक सोचे 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 मछली तो मछली होती है। आए हाय 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 आए हाय 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 नहीं, दो बेटे और दो बाप हैं। दो बेटे और दो बाप हैं गए हैं मछली पकड़ने के लिए, हर बंदे ने एक एक मछली पकड़ी है, लेकिन जब वो वापस आया तो उनके पास तीन मछलियां थी टोटल। यार साढ़े को तो जवाब देखो चाहिए के? यार थोड़ा सा दिमाग पे जोर तो डालें। आ जाए आप ही साथ आ जाए आ जाए आ जाए कोई मसला नहीं आ जाए। अच्छा चलें ठीक है। आप नहीं, मेरे जहन में नहीं आ रहा। चले आप पीछे हट गया इस चीज से। मतलब पीछे हट गई क्या? मनु नदर ना अभी अपनी शक्ल दूर कर। सवाल ही मेरे ख्याल में ऐसा पूछ यार ऐसे। अच्छा चलें, कोई शेर या कोई गाना सुना दे। नहीं मैं आपसे पूछ लेता हूँ। अच्छा मेरे से आप सवाल पूछेंगे? ठीक है पूछें। चलो भाई देखो अपने क्या करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है, जैसे आपने पहले सवाल किया है कि खाने के लिए खरीदते हैं जी जी। वो एक ऐसी चीज़ है हम खाने के लिए खरीदते हैं, अगर उसे 10 साल भी फ्रिज में रखें वो गर्म की गर्म रहेगी। 10 साल भी लग जाए तो वो गर्म की गर्म रहेगी। सवाल आपने वैसे मेरी टक्कर का ही पूछ लिया यार। एक मिनट यार बोले बोले क्या बोल रहे थे? मुझे आपने पूछने नहीं दिया। नहीं ये बात नहीं, ऐसा पूछ लिया। अच्छा लेम जोक मैं करता हूँ जी जी। रक्षे के अंदर एक गंजी लड़की बैठी है। अच्छा तो बताओ रक्षे में गंजी लड़की, रक्षे के अंदर क्या उसे क्या कहेंगे? रक्षे के अंदर एक गंजी लड़की बैठी है और हम उसे क्या कहेंगे? A few moments later. सोचना पड़ रहा है वैसे। आपका नहीं पूछ लो, अच्छा पूछ लो। थोड़ा हिंट दो मुझे। नहीं मैंने सारा तो बता दिया यार। वो रिक्शे के अंदर एक गंजी लड़की बैठी है। हाँ। गंजी लड़की बैठी है और उसे हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे यार? गंजी को गंजी कहेंगे वैसे? नहीं मैं मेरे पास जवाब है, मैं दूंगा। अच्छा, प्रॉपर जवाब है? हाँ हाँ। वो है क्या चीज़? लड़की है यार। लेम जोक्स हैं, लेम जोक का नहीं पता, इंटरव्यू कर रहे हैं यार। चुप कर बे कुत्ते। यार सवाल आपने पूछा, कॉमन सेंस का ही है। हाँ कॉमन सेंस, घूम फिर के मेरे भी आ गए हो यार। अच्छा नहीं ये नहीं आ रहा मुझे, आप आंसर बताओ। ऑटो में टकली। ऑटो में टकली। गुड यार, गुड गुड गुड। अच्छा चलो अब एक मैंने आपसे पूछा, एक आपने मेरे। अब मैं आपसे पूछूंगा नहीं, आपने मुझे कोई ना कोई शेर सुनाना। नहीं शेर इतना नहीं, नहीं कोई कोई सुनाना आपने शेर। वो देखो आपके दोस्त भी कह रहे हैं सुना दो, इसका मतलब आपको आता है। मौके की सिचुएशन पे आ नहीं रहा ना, मूड फनी है। कोई बात नहीं, फनी जो फनी शेर भी तो होते हैं यार। आपको इतना कुछ आता है, आपने मेरे से सवाल कर लिए। चलो सीरियस पहले सुना दो, कोई मसला नहीं। हाले दिल लिखा, हाले दिल लिखा, दर्दो गम जो गुजारा लिखा, दर्दो गम जो गुजारा, जब कभी लिखने बैठे नाम तुम्हारा लिखा। क्या बात है यार, क्लैपिंग क्लैपिंग कर लो यार, भाई ने शेर सुनाया यार। तू ही नहीं मुयस्सर मुझे सारे जहां में, न जाने मेरी हाथों की लकीरों में लिखा क्या था। ए हन्नो है, ओए होए होए, माशाल्लाह यार बहुत अच्छा इन्होंने और डीप शेर सुनाया, मुझे लग रहा है इसके पीछे ज़्यादा नहीं जाना। ठीक हो गया,
इसके अलावा चले अब आपने शेर सुना दे, कोई ना कोई गाना भी सुना दे। नहीं गाना, गाना कभी यार आजकल हर बच्चे बच्चे को गाने आते हैं यार। नहीं अगर कोई इंस्ट्रूमेंट होता तो मैं बजा के दिखा देता। नहीं माइक इसको मैं बजा नहीं सकता इसके अंदर नहीं कोई नहीं, आप एक दो लाइनें बेशक सुना दें। नहीं गाना गाना आता ही नहीं है। अच्छा चलें ठीक है ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आप? इमरान नाम है भाई। इमरान नाम है आपके अंदर कॉमन सेंस है? नहीं जी सर। तुम करें है लेकिन काम करती है कि नहीं? नहीं क्यों नहीं करती है? आप हुक्म हुआ तो बताएंगे, नहीं हुआ तो नहीं बताएंगे। चलें ठीक है मैं आपसे सवाल करता हूँ, एक या दो आपसे सवाल करूँगा, देखते हैं आप उसका जवाब देते हैं कि नहीं। ठीक है। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम खाने के लिए खरीदते हैं लेकिन हम खा नहीं सकते? कौन सी चीज़ है जो खाने खरीदे खा नहीं सकते? खाने के लिए खरीदते हैं हम लेकिन हम उसे खा नहीं सकते। खा नहीं सकते जी। ऐसी वो कौन सी चीज़ होगी भाई? है बिल्कुल है। खाने के लिए खरीदते हैं मगर खा नहीं सकते? नहीं, हम उसे खा नहीं सकते लेकिन हम खरीदते हैं उसको खाने के लिए। खाने के लिए खरीदते हैं दे है गुजेंज। सोचे सोचे लग रहा था जितना आपने कहा ना कॉमन सेंस काम करती होगी, मुझे लग रहा था आपकी बाकी काम करेगी। यार एक तो बंदा कफन लेने के लिए जाता है और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी है। वो खाने के लिए वो तो चीज ही लाता है ना। आपको पता वो पहन नहीं सकता, जो पहन सकता वो ले नहीं सकता। मैंने बात की है खाने के लिए, वो पहनने वाली बात। वो तो आप कहते तो हम दे देते आपको ना। तो जिस तरह आपने कफन वाला कहा है सेम इसी तरह का ही है, सेम इसी तरह का ही है। अब आप सोचें आपको आ जाएगा क्योंकि आपको कफन वाला आता है। थोड़ा सा कुछ तो रखे ना कोई, थोड़ा सा कोई। मैं आपको थोड़ा सा हिंट इस तरह देता हूँ कि हर फैमिली वो यूज़ करती है, हर फैमिली के पास होती है, यूज़ करती है। चले मेरे ख्याल से नहीं आ रहा आपको, आपसे मैं एक और सवाल करता हूँ ठीक है, उसका जवाब दे देंगे। हाँ करें चलो दूसरा कर लें। चले ठीक है दूसरा करता हूँ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो मर्द छुपा के चलता है और दिखा के चलती है? परस है भाई। वो तो वो तो पता चल गया वो उसका दूर ना जाए ठीक है परस हो गया। अच्छा एक और सवाल, पहले का इन्होंने नहीं दिया, दूसरे का इन्होंने दे दिया, डायरेक्ट ही दे दिया। मैं इनसे अब तीसरा सवाल भी करता हूँ। तीसरा सवाल ये है कि दो बाप और दो बेटे गया मछली पकड़ने के लिए ठीक है, दोनों ने एक एक मतलब सारों ने एक एक मछली पकड़ी है, लेकिन जब वो वापस आए उनके पास टोटल तीन मछलियाँ थी, कैसे? दो बेटे दो बाप गए, दो बेटे दो बाप गए मछली पकड़ने के लिए, सारों ने एक मछली पकड़ी है लेकिन वापस आए उनके पास तीन थी टोटल। दो बेटे दो बाप, चारों ने मछली पकड़ी है, चारों ने मछली पकड़ी है, वापसी पे तीन थी, वापसी पे तीन थी, कैसे? दो बेटे दो बाप, जितना दूसरे का जवाब दिया था इसको भी जवाब देना फिर वो तो बहुत इजी कर दिया था आपने ठीक है, ये वाला भी तो इजी है यार, वो तो बहुत इजी कॉमन सेंस का सवाल है जी। बिल्कुल है तो बिल्कुल यही तो बात है। चलें सोचें सोचें आ जाएगा यार, मुश्किल है थोड़ा सा ये। नहीं अच्छा कोई सॉन्ग या कोई शेर सुना दे यार। यार वो नहीं है नहीं नहीं कोई ना कोई आपने वो कोई नहीं है। नहीं नहीं आपसे मैंने तीन सवाल किए आपने उसका कर ले, वो सुना सुनाते वो भाई को, वो भाई को बुलाएंगे, उससे सुन ले जो भी सुनेंगे आप सहते हैं। दूसरा भाई है वो भाई का, वो कुछ सुना दे, वो भाई का कॉल आ गया, बाप सुनाए यार होता रहो कोई नहीं सुनाता यार। हर बच्चे बच्चे को गाना आता है, बच्चे बच्चे को शेर आता है यार। चलो शेर का शेर भी नहीं आपने पूछ लिया। नहीं यार ठीक है भाई। ऐसी चीज है जो लड़की और लड़के दोनों की टांगों के दरमियान होती है? हाँ जगह ही होती है और क्या होते हैं, जगह होती है। हाँ ठीक है वेल डन यार, भाई ने बहुत अच्छा जवाब दिया और पहले से वो अच्छा दिया, क्लैपिंग आपके लिए ठीक है। अच्छा इसके अलावा आप कोई गाना या शेर सुनाना चाहें? ना कोई नहीं ना। यार सिंपल सा शेर हो जाए ना। बताओ बताओ ना कुछ तो बताओ। कुछ भी नहीं ना। कोई गाना कहना? ना गाने सुनता ही नहीं हूँ मैं। अच्छा चले ठीक है कोई मसला नहीं, ओके सर बहुत शुक्रिया। जाना बस हमारी नगरी में मोहे सुंदर मुख दिखला ओ कदिया मिल सांवल यार वे ओ कदिया मिल सांवल यार वे मेरे लू लू चीख पुकार वे मेरे लू लू चीख पुकार वे कदिया मिल सांवल यार वे। अच्छा वो कौन सी ऐसी चीज़ है
जो लड़का और लड़की दोनों की टांगों के दरमियान होता है, ऐसा चीज। सोचो सोचो, ऐसा चीज तो बड़ा आसान है यार। मैं सोचता हूँ एक मिनट। A few moments later, जो लड़का और लड़की दोनों की टांगों के दरमियान होती है, ये घुटना होता है ना, घुटना। नहीं, वो टांगों के दरमियान नहीं होता। ये तो आपने बहुत मुश्किल पूछा है ना। ये मुश्किल नहीं है। उसके अलावा भी होता है यार। नहीं, ये इसके अलावा तो फिर बहुत आसान है, बहुत आसान है। बिल्कुल मेरे जहन में भी नहीं आ रहा है। अच्छा चलो, वो कौन सा ऐसा परिंदा जो उड़ नहीं सकता? जो नहीं उड़ सकता है वो मुर्गी है ना। नहीं, मुर्गी उड़ सकती है? मुर्गी ऊपर तो दूर तक तो नहीं उड़ सकती है। उड़ तो सकती है ना, वो कौन सा ऐसा परिंदा जो उड़ नहीं सकता? ऐसा परिंदा, ये वाला हमने आसान पूछा है। बटेड़ा नहीं उड़ सकता ना, बटेड़ा है। नहीं, वो परिंदा है, उड़ सकता है। उड़ नहीं सकता, सॉरी, परिंदा है लेकिन उड़ नहीं सकता। मैंने भी वही बताया ना। नहीं, वो उड़ने वाला परिंदा, परिंदा उड़ने वाला लेकिन उड़ नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम भाई। शेर जी, आपको शेर सुनाना है? सुना दे जान। इस्लाम का जवाब ही तो देते हैं। क्या हाल है? ठीक जी, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? करमला, क्या नाम है? मेरा नाम सफदर है। आप पहले आते साथ इस तरह लड़ाई के जोश में आए हो आपने। आप कह रहे हैं, आप शेर सुनाएं। वो सुनाओ, आप कैसे कर रहे हैं, मैं ये देख रहा हूँ। ठीक है, आप सुना दोगे जी? मैं आपको क्या क्या सुनाओगे? शेर सुनाओगे, गाना सुनाओगे? क्या सुनना चाहते हैं? मैं दोनों सुनना चाहता हूँ। दोनों सुनना चाहते हैं। वो कहते हैं जो दिल पास रहते हैं इतनी दूर ना जाया करो, जो दिल पास रहते हैं इतनी दूर ना जाया करो, अगर यारों के साथ दिल लगाना हो तो लड़कियों के पास ना जाया करो। यार क्या बात है यार, क्लैपिंग होती है यार। वो डीप आपने शेर सुनाया। एक लड़की के लिए रेडिकेट करना चाहता हूँ शोर। माशाल्लाह यार, क्या भाई, ये तो आप पहले करो। वो कहते हैं किसने दी इस दिल पे दस्तक, कौन है, किसने दी इस दिल पे दस्तक, कौन है, आप तो अंदर हो बाहर कौन है। क्या बात है यार, डीप यार डीप। और कहते हैं आशिकी के लिए यार चुनते हैं, आशिकी के लिए यार चुनते हैं, बेवफा के लिए बस लड़कियां बेवफा होती हैं, इसलिए हम उनको चुनते हैं। जिस तरह आपने शेर सुना दिया, दुखी दुखी मेरे लग रहा कोई चक्कर चुक्कर है कि नहीं? हाँ, कजन के ऊपर है दिल। है कि खत्म हो गया? पता है यार, कुछ ना कुड़ी नहीं देनी, फिर कजन तो आंदी यार गल। अच्छा, आप अभी जा रहे हो लाइव इस टाइम, आप उसको कोई पैगाम देना चाहोगे? मैं बस ये कहना चाहता हूँ, आप टेंशन ना लें, आपके घर नहीं मानेंगे तो घर से उठा लेंगे आपको। चलो ठीक है यार, बड़ी बात भाई ने कर दिया। भाई ने कहा कि इनको बोले एक दफा नहा के आए तो आप बात नहीं आ रही हो, चौकस हो, चौकस हो क्या है? हां जी, बिल्ली को कांच मारी होती है, ये तो मेरे साथ लड़ना है, खाली खोकड़ी दे मुंह मेरे दोस्त तो अल्लाह के हुक्म से, आप जैसे जितने दोस्त है ना, ये पूरी मेरी मार्केट मेरी दोस्त है, मैं सेलमैन हूँ, इधर काम करता हूँ, अल्लाह के हुक्म से ऐसी कोई बात ही नहीं है। आप अपने दोस्तों को ले आएगा, मैं अकेले ही ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी अकेला हूँ, मैं दोस्तों के साथ आया। अभी तो कोई जुगत मारो यार, मैंने जुगत वो दोस्त है। ओए आप बड़ी बड़ी जुगत है गया ना, मुंह देख, ओ खाली टप्पण वाले मुंह वाले आ, मुंह है के लड़ी यार, फिर ये तो लड़ाई वाली बात है। टमाटर, ये तो लड़ाई वाली बात है ना, ये चलो यार।